वेलकम टू योर चैनल वी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन यूज एनी मेथड। नाउ इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 कवर कर रहे हैं, जिसमें यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर्स एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स, एंड हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स, देन यस वुड हैव scored 50 marks. How many questions were there in the test? So, इसके लिए पहले हमें incorrect और correct answers को x और y मानना पड़ेगा. So, to make the equations, so let Yash answers x questions correctly and Y questions incorrectly. Now, according to the question, 3 marks उसको हर एक right questions के मिले और 1 marks उसका कटा हर wrong answers के लिए, तो उसे 40 marks मिले। ठीक है, तो कहता है कि if 4 marks correct के लिए कटते और 2 मार्क्स डिडक्ट होते उसके रॉन्ग आंसर्स के लिए, तो उसके मिलते 50 मार्क्स। सो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, दैट इज फर्स्ट नंबर इक्वेशन एंड सेकंड नंबर इक्वेशन। नाउ दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द एलिमिनेशन मेथड। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यू कैन मल्टीप्लाई, बिकॉज अगर वाई को देखते हैं तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये y कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 6x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 80। सो 4x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 50। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, सो दिस इज कैंसल आउट। सो 6 में से 4 गया 2 एक्स दैट इज इक्वल टू एंड दैट इज 0, 8 में से 5 गया 3, सो एक्स की वैल्यू आई 30/2, so that is nothing but 15. so x की वैल्यू हमारे पास आ गई। now putting x is equal to 15 in equation 1, so this is 3 into 15 minus y that is equal to 40 and minus y is equal to 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आने वाला है। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कट हो गया तो वाई इज इक्वल टू यहाँ बचा 5। अब हमने वाई क्या एज्यूम किया था, वाई एज्यूम किया था हमने द रॉन्ग इनकरेक्ट आंसर्स एंड एक्स एज्यूम किया था करेक्ट आंसर्स। सो टोटल नंबर ऑफ दैट इज टोटल नंबर ऑफ questions in test are x plus y, so that is 15 plus 5,
दैट इज 20. सो 20 क्वेश्चंस थे टोटल टेस्ट में. सो दिस इज द सॉल्यूशन. आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.